इंदिरा भवन बिलासपुर में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनेब चंदेल और महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव नीतू वर्मा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जहां पर मोदी सरकार पर जमकर निशाने साधे, वहीं पर उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार मात्र जुमलेबाजी की सरकार रही है। उन्होंने कहा कि आज भी किसान, बागवान, युवा वर्ग, महिलाएं सभी महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान हैं। भाजपा की नीयत साफ नहीं है। प्रदेश भाजपा सरकार भी पिछले 1.5 वर्ष में पूरी तरह से असफल रही है। पर उन्होंने कहा भाजपा नेता प्रदेश में 69 राष्ट्रीय उच्च मार्ग लाने की बात कहते कहते नहीं थकते थे, लेकिन 1.5 वर्षों में किसी भी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कोई काम नहीं हुआ। यह दिखाता है कि केंद्र और भाजपा की सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की तरक्की की बात करती थी भाजपा, अब केंद्र से पूरे बहुमत के साथ में है, लेकिन 5 वर्षों में महिला आरक्षण के लिए कुछ भी नहीं किया गया। गरीब विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने सारे वर्गों का शोषण ही किया। 2 करोड़ रोजगार कहा था हर साल देते, कहाँ है रोजगार? 15 लाख किस पे रोजगार को मिला? कहाँ मिला रोजगार? लोग तो रो रहे हैं। 15 लाख रूपए आप बोलो आए हैं अकाउंट में, हम तो इंतजार कर रहे थे 15 लाख रुपए। ऊपर से काला धन करती है, काला धन कहा कि वापस लाएंगे, लेकिन मोदी जी ने ये तो जरूर किया, नीले रंग का नोट, हरे रंग का नोट, जामनी रंग का नोट, पीले रंग का नोट, रंग बिरंगे नोट लाए, लेकिन काला धन नहीं आया। ये फैक्ट है। और इन्होंने कहा था कि सारा धन जो है बाहर से हम लाएंगे। अब मोदी जी खुद कह रहे हैं, नहीं वो मोदी जी अब खुद कह रहे हैं कि वहां पे 50% और बढ़ गया, विदेश में बैंकों में 50% और बढ़ गया, तो वो लाने की तो बात दूर की है, वहां तो और भी बढ़ गया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ 33% जो आरक्षण दिया था वो उसमें अमेंडमेंट करके वो राजीव जी ने दिया था। और आपको याद होगा 2010 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो क्या कहते हैं राज्यसभा में हमने ये बिल पास किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से लोकसभा में नहीं हुआ। मोदी जी ने 5 साल वो गवर्नमेंट उनकी सरकार रही है, उन्होंने बिल पास करना तो दूर की बात, चर्चा करना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने इस पे कोई बात नहीं करी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में फिर भी नहीं किया हमारे, और पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे डिक्लेयर थे कि नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टी जो है पंजाब में 50% जो है वो महिलाओं को आरक्षण देंगी। 33% आरक्षण के मामले पर हमारी पहले शोभा ओझा थी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने फिर अभी ये सुष्मिता देव जी ने एक अभियान छेड़ा था, हस्ताक्षर अभियान। 33 लाख से ज्यादा हमारे पास हस्ताक्षर पूरे देश से इकट्ठे हुए और हमने वो राष्ट्रपति जी को सौंपा ज्ञापन कि ये हमारे पास वकालत आई है महिलाओं की कि आरक्षण होना चाहिए विधानसभाओं में और ये लोकसभा में। तो उसी पे चलते हुए राहुल गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी हमारे जितने मुख्यमंत्री बने हैं जिन जिन प्रदेशों में कि आप ये चीज लागू करिए कि आप महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे विधानसभा और लोकसभा में।